नागदा से जिला अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबोध स्वामी ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का विधायक बनने के बाद 20 युवाओं को रोजगार प्रदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 3,500 श्रमिक जो विगत दिनों ग्रीष्म उद्योग प्रबंधन की ओर से बाहर किए गए थे उन्हें रखवाना हमारी गारंटी है। उन्होंने कहा कि ठेका श्रमिक को पास प्रथा से मुक्ति दिलाने की गारंटी आम आदमी पार्टी ठेका श्रमिकों को देती है। श्रमिकों को पास के तहत काम करवाया जा रहा है, गैर कानूनी, और मैंने इसको विधानसभा में उठाया। विधायक साहब के विधानसभा के प्रश्न पर जो भी जवाब आया उसका खुलासा हुआ या नहीं हुआ ये आप लोग जाने, लेकिन अगर कोई उद्योग गैर कानूनी रूप से श्रमिकों से पास से कार्य करा रही है तो वो जो ठेकेदार है उस पर प्रकरण दर्ज करवाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और विधायक जी को भी यही चाहिए था कि अगर उनके प्रश्न का जवाब सही नहीं आया तो उनको भी उस समय प्रश्न उन ठेकेदारों पे जो पास से गैर कानूनी रूप से श्रम कानून का उल्लंघन करते हुए ठेका श्रमिकों से कार्य करवा रहे थे उन पर प्रकरण दर्ज करवाना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे नगर में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक मंडल अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के ब्लॉक मंडल अध्यक्ष तक और विधायक जी के परिवार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के परिजन सब उद्योग में ठेकेदार।